ओके, तो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हडामार्ट मैट्रिसेस। ये आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है, शायद आप लोग जानते होंगे। और इसके लिए जो बुक रिकमेंडेड है, मैं बुक शो कर दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे बुक मैंने कुछ मेंशन किया हुआ है। तो हडामार्ट मैट्रिक्स के लिए जो बेस्ट बुक आपके लिए पड़ेगा वो होगा अर्थोगोनल एरे करके है, हिदायत की बुक। ये फोर्थ नंबर आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर आपको ये हिदायत दे रहा है। इसके अलावा भी आप पढ़ना चाहें तो ये लिंट विल्सन वाली है, थर्ड नंबर, ये भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी ये ब्रुआल्डी वाली और भी ठीक है बुक, बट आपको मेनली फोकस करना है फोर्थ नंबर पे, ठीक है। ओके, तो अपना हम लोग कंटेंट शुरू करते हैं। और जिसको कोई भी क्यूरी होगा आप लोग चैट बॉक्स में पुट कर देंगे। ओके, तो हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? टॉपिक आपको क्लियर है, हडामार्ट मैट्रिसेज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो हडामार्ट मैट्रिसेज में हम लोग डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि हडामार्ट मैट्रिसेज क्या होता है। और हडामार्ट मैट्रिसेज ये आपका एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है, और ये एक नॉर्मल मैट्रिक्स की तरह ही मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे बाकी मैट्रिसेज आप पढ़ते हैं उसी टाइप का है, बट इसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होने के चलते इसको सेपरेटली पढ़ा जाता है, ठीक है। और अगर रिसर्च की बात करें तो ये रिसर्च में भी काफ़ी इस टॉपिक का क्रेज है, इसके कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होने के चलते हैं, ठीक है। मैट्रिसेज तो बहुत सारी हैं, बट इसके कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होने के चलते इसका अभी भी क्रेज है रिसर्च में। तो देखते हैं कि हडामार्ट मैट्रिसेज क्या होता है, डिफिनीशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हडामार्ट मैट्रिक्स, ओके, तो इसका डिफिनीशन, तो ये भी जैसे मैंने बोला कि रेगुलर मैट्रिसेस की तरह ये भी एक मैट्रिक्स होता है। रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, इसके एलिमेंट जो होते हैं सिर्फ प्लस और माइनस वन होते हैं, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है बस। और इसके क्या होते हैं, जो डिस्टिंक्ट रो वेक्टर होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं। इन चारों को कंबाइन कर दीजिएगा तो ये इसका डिफिनीशन बन जाता है। तो देखते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स विथ एलिमेंट विथ एलिमेंट्स प्लस वन और माइनस वन, ओके, एंड ऑफ साइज एन। साइज एन का मतलब, जब यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करी तो ऑब्वियस सी बात है कि साइज एन मतलब हुआ एन क्रॉस एन का एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। हुज हुज डिस्टिंक्ट हुज डिस्टिंक्ट रो वेक्टर्स हुज डिस्टिंक्ट रो वेक्टर्स आर अर्थोगोनल, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स विथ एंट्री प्लस माइनस वन हुज डिस्टिंक्ट रो वेक्टर्स आर अर्थोगोनल इज नोन एज हडामार्ट मैट्रिक्स, इज नोन एज हडामार्ट मैट्रिक्स। ओके, थोड़ा सा और इसमें डीप में हम लोग देखते हैं। तो हडामार्ट मैट्रिसेस का अल्टरनेटिव फॉर्म में हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो और इसको कह सकते हैं, ए मैट्रिक्स एच इज सेड टू बी हडामार्ट मैट्रिसेस इफ इट्स एंट्रीज आर प्लस माइनस वन विद सेटिस्फाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, दैट इज ए हडामार्ट मैट्रिक्स इज एन ए ले लीजिए सॉरी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में इसको साइज होगा तो एन क्रॉस एन हम ले ले रहे हैं, ठीक है। ये हडामार्ट मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज दिस विथ विथ इंट्रीज प्लस वन और माइनस वन, ओके, विच सेटिस्फाइज विच सेटिस्फाइज एच इंटू एच ट्रांसपोज इक्वल टू एन टाइम्स आइडेंटिटी, ओके। एच आप जानते होंगे और एच ट्रांसपोज भी जानते होंगे जो यूजुअल मीनिंग है इसका, ओके, कर देना। तो कुछ हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि हडामार्ट मैट्रिसेस का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट शुरू करते हैं, ओके। तो आपका लेते हैं सम एग्जाम्पल्स, सम
सम एग्जाम्पल्स। ओके एग्जाम्पल्स में लेते हैं एक सबसे छोटा एग्जाम्पल, इसको मान ले लीजिए जस्ट वन। इस मैट्रिक्स को कुछ एच वन नाम दे दिए, ठीक है। इसी तरह अगर टू क्रॉस टू की बात करें तो एक कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, एच टू मैंने दे दिया इसको ना, और इसको रख दे फर्स्ट एंट्री वन, सेकेंड एंट्री वन, थर्ड एंट्री भी वन और फोर्थ एंट्री माइनस वन, ठीक है। इस वे में आप और भी ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ थर्ड मैट्रिक्स, एक कुछ होगा आपका माइनस वन प्लस वन, माइनस ए हो गया प्लस वन, ए हो जाएगा माइनस 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 वन, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ। फोर क्रॉस फोर का ये बनेगा मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन आप ले लेते हैं वन। मैं कैसे कंस्ट्रक्ट किया ये भी बताता हूँ, क्योंकि आपके साथ ये प्रॉब्लम होगा कि आप कैसे लर्न करें कि कहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स लिखना है। अब हर मैट्रिक्स तो मैं वेरीफाई नहीं कर रहा, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हडामार्ट मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है कि हम कैसे लर्न करें या कैसे रिमेम्बर करें कि कौन सा मैट्रिक्स हडामार्ट होगा और कौन सा नहीं होगा। ओके तो जैसे मैंने अगर आपको वेरीफाई करने के लिए बोला बोल दिया जाए तो ये छोटे से मैट्रिक्स में तो वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा मान लो कुछ 8x8 का मैट्रिक्स दे दिया, तब कैसे वेरिफिकेशन करोगे? तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए। डिफिनीशन जानते हैं, नो डाउट डिफिनीशन ठीक है कि कुछ ऐसे वो मैट्रिक्स जिसकी एंट्री प्लस माइनस वन हो और इस टाइप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हो तो इसको बोल देंगे कि हडामार्ट मैट्रिक्स होगा, बट प्रूफ करना तो प्रॉब्लम है ना। ओके इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी है, आप इस तरह ना लिखे, आप क्या करें जो वन है या फिर प्लस वन है इसको सिर्फ प्लस से रिप्रेजेंट कर दीजिए, और जो माइनस वन है इसको आप माइनस वन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जो बुक पढ़ेंगे किसी बुक में प्लस माइनस वन दिया होगा, किसी में सिर्फ प्लस और माइनस दिया होगा, किसी में प्लस की जगह प्लस वन छोड़ दिया, सिर्फ वन छोड़ दिया होगा और माइनस की जगह एक डैश लगा दिया होगा। दैट इज अगर इक्वेलेंटली हम एच को लिखें तो क्या लिखेंगे, अगर प्लस है तो सिर्फ प्लस लिख के छोड़ सकते हैं, एच टू को क्या लिखेंगे अगर है तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखने का तरीका है जो आपके और भी बुक्स में मिल सकता है। उसी तरह इस थर्ड वन को क्या लिख सकते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है, ये हो गया प्लस 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 माइनस प्लस 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 माइनस। ओके तो एक तरीका था ये लिखने का। अच्छा कहीं कहीं बुक में क्या करेगा, सिर्फ माइनस की जगह माइनस लगाएगा और बाकी प्लस की जगह वन लिख देगा, ठीक है। तो इस वे में हडामार्ट मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके रिजल्ट क्या है, इफ एच इज ए हडामार्ट मैट्रिक्स, इतना इज ए हडामार्ट मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको आपके काम को इतना आसान बना देगा ना कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि और इतना हो, इतना तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इफ एच इज ए हडामार्ट मैट्रिक्स देन कुछ एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, कुछ एम बना लीजिए, एम इज इक्वल टू फॉर्म्ड बाई दिस एच 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 माइनस एच, दिस विल बी ऑल्सो ए हडामार्ट मैट्रिक्स। इफ एच इज ए हडामार्ट मैट्रिक्स देन इतना इज ऑल्सो हडामार्ट मैट्रिक्स। ओके अब मैं एक आपको एग्जाम्पल करवाता हूं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं लेता हूं एच वन इजकल टू सिर्फ वन, तो आप ए एम बताइए क्या होगा क्विकली, और ये बताइए कि जो एम है क्या एच टू के इक्वल है, आपको एच नो में सिर्फ रिप्लाई करना है। तो इसकी एंट्री क्या है, वन है ना, तो पहला एंट्री पहला मैट्रिक्स उठा के रख दिया वन हो गया, सेकेंड की जगह रख दिया फिर से वन हो गया, थर्ड की जगह रख दिया वन हो गया और फोर्थ की जगह माइनस वन हो गया। जब यहां मैट्रिक्स रखने की बात किया जाए तो आपको क्या करना है, उसके सारे एंट्री उठा के रख देने हैं, क्लियर। ओके तो ये चीज आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्या करिए, ए वाला मैट्रिक्स बनाइए, या फिर मान लीजिए मेरे को 4x4 का बनाना हो, इसमें 3x3 का नहीं बनेगा, तो इसके लिए भी मैं कुछ रिजल्ट्स आगे बताऊंगा कि किसका किसका बन सकता है। अब नेक्स्ट मैं एक बोल रहा हूँ कि फॉर्म ए या फिर कंस्ट्रक्ट हडामार्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4, तो जल्दी से आप कंस्ट्रक्ट करिए। क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट हडामार्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4। तरीका आपको पता है कि अगर 4x4 का बनाते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, रफली अगर आइडिया लें तो ये 2x2 का अगर रखोगे तो देखो पूरा मैट्रिक्स 4x4 का बन जाएगा। तो एच 2x2 में क्या लिख सकते हो, इसी को आप एच ट्रीट करो, एच टू के आप एच की जगह इस एच टू को उठाकर रख दोगे तो आपका 4x4 का बनेगा। ओके
यहाँ पे मैंने, अगर मैं जस्ट मान लो रिप्रेजेंटेशन के लिए H4 लिख दिया, मतलब मैं 4x4 का बना रहा हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पे H2 रख देना, यहाँ पे H2 रख देना, यहाँ पे H2 रख देना और यहाँ पे H2 रख देना, ओके। तो इस टाइप से अगर मैं कोई मैट्रिक्स बोलता हूँ सर्टेन ऑर्डर का, ऑब्वियस सी बात है रूल फॉलो करेगा, अब ऐसा थोड़ा ना कि मैं 3x3 का बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आपको जो दिया जाएगा इसका मतलब है कि उस टाइप का हम फॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई बोला जा रहा है कि आपको इस 2n x 2n का मैट्रिक्स फॉर्म करना है, इसका मतलब हम फॉर्म कर सकते हैं, तो तभी दिया जाना। आप कैसे फॉर्म करेंगे ये तरीका बता दिया। तो ये देखिए यहाँ पे H2 रखना 2x2 का है ना, तो उठा के एंट्री रख दीजिए, ए प्लस वन होगा, ए प्लस वन होगा, ए प्लस वन होगा, ए माइनस वन होगा, फिर इसी को यहाँ पे उठा के रखेंगे, ए माइनस होगा ना, ए सॉरी प्लस वन होगा, ए भी प्लस वन होगा, ए भी प्लस वन होगा, ए भी माइनस वन होगा, ए भी प्लस वन होगा, प्लस वन प्लस वन माइनस वन, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस वन माइनस वन माइनस वन एंड ये हो जाएगा आपका प्लस वन। तो इस वे में हम हडमार्ट मैट्रिक्स ऑफ 4x4 का कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम आगे भी H4 अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया, H8 कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेमा है जो सिलवेस्टर लेमा है, तो वो लेमा हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे ये लेमा आपको दिख रहा होगा, मैंने मेंशन कर दिया है कि लेट एन बी अ नेचुरल नंबर, देन देयर इज एन हडामार्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2n, दैट इज फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, आपके पास 2 के पावर n ऑर्डर का एक हडामार्ट मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। ये सिल्वेस्टर लेमा है, इसको हम लोग सिल्वेस्टर सिल्वेस्टर लेमा भी बोलते हैं, ठीक है। ये काफी पॉपुलर है, तो इस पे बेस्ड एक हम एग्जांपल करते हैं, ठीक है। 8x8 का एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि किस टाइप से वो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो रहा है 8x8 का, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं ऑफ ऑर्डर 8x8, ओके ठीक है। आपने क्या किया होगा, इससे पहले H4 आपने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो आपको एज्यूम करिए कि 8x8 आप मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं, आपने क्या किया, जो H4 पहले कैलकुलेट किया था उसको यहाँ पे सिंपली उसके एलिमेंट्स को एज इट उठा के रख दिया, ठीक है। इस वे में भी आप एक मैट्रिक्स फॉर्म कर दिए यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसको मैं ओके सो जो जस्ट पहले हमने पढ़ा है, ठीक है, जो जस्ट पहले क्या पढ़ा था 2 के पावर n, ओके। तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं सिल्वेस्टर हडामार्ट मैट्रिक्स है, ओके। एंड इस मेथड को कहते हैं सिल्वेस्टर कंस्ट्रक्शन, ओके। सो दिस मेथड इज नोन एज, दिस मेथड इज नोन एज सिल्वेस्टर सिल्वेस्टर कंस्ट्रक्शन, दिस मेथड इज नोन एज सिल्वेस्टर कंस्ट्रक्शन। मतलब आप किस वे में कंस्ट्रक्ट करें, अगर एक एच पता है तो इससे आपने एक दूसरा मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से बना लिया और फिर इससे इस टाइप से बनाते जा रहे हैं, तो इसी कंस्ट्रक्शन को हम लोग बोल रहे हैं सिल्वेस्टर कंस्ट्रक्शन, ओके। एंड इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिल्वेस्टर हडामार्ट मैट्रिक्स, ठीक है। मीन्स इस मेथड की हेल्प से जो हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया उस मैट्रिक्स को उसी के अकॉर्डिंग नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है साइन चेंज, ओके। मतलब साइन चेंज हम किस टाइप से करते हैं, ठीक है। तो एक बार उसकी भी थ्योरी देख लेते हैं। अब हमें साइन चेंज देखना है, ठीक है। तो साइन चेंज इन ए सिल्वेस्टर हडामार्ट मैट्रिक्स इज गिवेन बाय, सो एक रिजल्ट देखते हैं कैसे, पहले रिजल्ट देख लेते हैं फिर उसको पढ़ते हैं, ओके। साइन काउंटिंग साइन चेंज लिख लीजिए, काउंटिंग साइन चेंज, ठीक है। ये 10th क्लास वाली थ्योरी है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये क्या है, अगर कोई आपको सिल्वेस्टर या हडामार्ट मैट्रिक्स दिया है तो उसका जो साइन चेंज होता है वो एन माइनस वन होता है, दैट इज इन इसको रिजल्ट कह लीजिए रिजल्ट, ठीक है। द साइन चेंज इन अ सिल्वेस्टर हडामार्ट
हडामार्ट मैट्रिक्स द साइंस इन सेलेस्टर हडामार्ट मैट्रिक्स इज, अगर पूरा ऑर्डर लिखना हो तो हम बोलेंगे ऑफ ऑर्डर इन, क्योंकि ऑर्डर एक बार बता देना, साइन चेंज इन सिलवेस्टर हडामार्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, जो एन क्रॉस एन ऑर्डर का है, इज आपका हो जाएगा 0 1 2 n-1। अभी कैसे होता है ये देखते हैं, वर्किंग रूल। ओके, आपको क्या करना होगा, सिंपल है, डोंट वरी। एक मैट्रिक्स पहले लेते हैं, चलो एच से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सिलवेस्टर हडामार्ट मैट्रिक्स कितना का होता है, इसका अगर ऑर्डर की बात करें तो ये था 2 के पावर n, जहां n क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, तो n इक्वल टू हम 1 रखते हैं, तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा, ए 2 क्रॉस 2 यानी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स देगा, और 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना हमने सीखा था, तो वो क्या होगा, ए होगा 1 1 1 -1। ओके, अब इसका साइन चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें देखिए फर्स्ट आप रो वाइज रो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पर नोट करके लिख दे रहा हूँ, वी काउंट इट रो बाय रो, दैट इज देखिए फर्स्ट रो आप लीजिए, ये है आपका फर्स्ट रो। ओके, तो फर्स्ट रो में कितनी बार साइन चेंज कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो एक बार भी साइन नहीं चेंज हुआ ना, तो ये 0। फिर सेकेंड रो में आइए, ठीक है, तो पहला क्या था प्लस, फिर क्या हो गया माइनस, तो ये कितना हो गया 1, एक ही बार साइन चेंज किया ना। तो इस तरह से आपको ऑर्डर लिखना है, तो यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस 2 का था, कहाँ तक गया, 0 से लेके 2 -1 1 तक गया, तो यही है इसका साइन चेंज। अगर आपको कभी पूछे किसी मैट्रिक्स का साइन चेंज इसमें हडामार्ट मैट्रिक्स में, तो आपको इस वे में कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये तो था थोड़ा सा छोटा, तो आपको लगा होगा कि हो सकता है, चलिए हम, अच्छा इसका यहाँ पे मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ, 0,1। नेक्स्ट लेते हैं, जब एन बराबर 2 हो तो क्या दे देगा, 4 क्रॉस 4 का, तो जो आपने मैट्रिक्स बनाया था एक बार उसको फिर से नोट डाउन करिए, पहला था इसको एजिट 1 1 1 -1, फिर था 1 1 1 -1, फिर होगा 1 1 1 -1, फिर होगा -1 -1 -1 ए +1, किस टाइप से हुआ आप समझ सकते हैं। ओके, अब इसका आपको क्विकली मेरे को सीक्वेंस रिप्लाई करिए क्या होगा, लाइक यहाँ पे सीक्वेंस आपका क्या था 0 1, तो इसका रिप्लाई आप क्या करते हैं 0 1। अब इस क्वेश्चन का बताइए कि सीक्वेंस क्या होगा, अगर आप इसको लर्न कर लिए हैं तो। देखिए मैंने क्या बताया कि आपको साइन चेंज काउंट करना है, तो सिंपल 10th क्लास के बच्चों की तरह सोचना है, कैसे, यहाँ पे देखिए आपको मैंने यहाँ पे जो अभी हेडिंग दिख रहा होगा, वी काउंट इट रो बाई रो, दैट इज फर्स्ट रो उठाइए, रो बाई रो का मतलब क्या, फर्स्ट रो देन सेकेंड रो देन थर्ड रो एंड देन फोर्थ रो। ओके, ठीक है, फर्स्ट रो में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे साइन चेंज करना मतलब प्लस से माइनस और माइनस से प्लस कितनी बार जा रहा है, तो फर्स्ट टाइम देखिए प्लस था, ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, तो कितनी बार साइन चेंज हुआ, एक बार भी नहीं हुआ ना, तो आप 0 लिखेंगे। ओके, देन सेकेंड रो में आइए, प्लस था फिर ये माइनस हो गया, तो एक बार साइन चेंज हो गया, ओके, फिर माइनस था फिर प्लस हो गया, तो 2 बार साइन चेंज हो गया, फिर प्लस से फिर माइनस हो गया, 3 बार साइन चेंज हो गया, तो आप लिखेंगे आप 3। नेक्स्ट वही चीज इसके साथ करिए, तो यहाँ पे प्लस था फिर ये प्लस था फिर ये माइनस हो गया, तो एक बार साइन चेंज कर गया ना, फिर माइनस से माइनस है, ठीक है, तो एक ही बार साइन चेंज, प्लस से माइनस, माइनस से माइनस ही है, तो एक बार इसको लिख दिया यहाँ पे। अब फिर लास्ट रो में आइए, प्लस था प्लस से आपका माइनस हो गया, माइनस से फिर माइनस ही है, माइनस से फिर प्लस, तो कितना, प्लस से माइनस एक बार यहाँ पे चेंज हुआ, एक बार यहाँ पे चेंज हुआ, तो टोटल 2 बार चेंज हुआ। ओके, तो इस वे में साइन चेंज काउंट हम नोट डाउन करते हैं। तो इवन, तो ये मैं आपको समझाने के लिए आपको कोमा देकर लिखना होगा, 0,3,1,2, ये रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग है, थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग है, फोर्थ रो के करस्पॉन्डिंग है, सॉरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रो के करस्पॉन्डिंग है, तो इस वे में हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट, फोर एन इक्वल टू 3, आपका एच क्या होगा, 8 क्रॉस 8 का। अब मैट्रिक्स क्या होगा, जो आपने थोड़ा देर पहले लिखा होगा उसको फिर से नोट डाउन करिए, इसीलिए मैं उस टाइम बोला था कि सबका काम पड़ेगा, तो आप लोग नोट डाउन करते जाइए, अब पीछे गलती किए होंगे तो अभी भी गलती हो जाएगा,
ये सारा मैं सिल्वेस्टर हडामार्ट कंस्ट्रक्शन में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स हम बनाए हैं सिल्वेस्टर हडामार्ट कंस्ट्रक्शन मेथड से बनाया है ना हम लोग। तो क्विकली जिनका गलत होगा मैट्रिक्स वेरीफाई कर लीजिए, पहला वन 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 ये होगा, फिर वन माइनस वन वन माइनस वन, फिर रहा होगा वन वन माइनस वन माइनस वन, फिर रहा होगा वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन। ओके यही चीज़ फिर नीचे रिपीट हो जाएगा, तो वन वन वन, अरे ए वन हो गया ए वन हो गया ए वन हो गया। इसको थोड़ा सा सीधा में आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग तो लिखे ही होंगे, मेरा ही गड़बड़ हो रहा है। ए वन हो गया ए माइनस वन, ओके वन 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 हो गया, ए हो गया वन, ए हो गया माइनस वन, ए हो गया वन, ए हो गया माइनस वन। फिर इसको ये पहचानने के लिए ऐसे ऐसे आप डैश डैश लगा सकते हैं, इससे पता चले कि आपने कहाँ कहाँ पुट किया, अदरवाइज ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में 8x8 तक मिल सकता है करने के लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कोई टफ चीज़ नहीं है, तो साथ में पढ़ते पढ़ते आपको एग्जाम का भी ध्यान रखना है। माइनस वन माइनस वन प्लस वन प्लस वन, फिर ये होगा वन माइनस वन प्लस वन प्लस वन माइनस वन, सही मैट्रिक्स बना हुआ है, क्योंकि देखिए आपका एक गलती आपका सारा मेहनत बेकार कर देगा। और एग्जाम में आपको पता है दोबारा वेरीफाई करने का टाइम नहीं होता है, तो आपको सीक्वेंस बताना है, साइन चेंज सीक्वेंस। एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, देखिए इसमें ना अगर कोई नंबर दो बार रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन गलत है, अपूर्व। जैसे तुम्हारा 5 दो बार रिपीट कर गया, मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है, तो जब टीचर चेक करेगा ना तो तुम्हारा एक पूरा क्वेश्चन नहीं मिलाएगा, यही एक लाइन देखेगा, सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो अपूर्व तुम्हारा ये प्राची, तुम्हारा 2 बार 7 आ रहा, तुम्हारा वैसे गलत है। सोनाली का तो चलो जिसका सब डिस्टिंक्ट है उसका तो बाद में चेक होगा, बट जिनका रिपीट किया उनका गलत। वर्षा 2 बार 7 आया गलत, कुल याद करते हैं। इसमें देखो पहला में एक बार भी चेंज नहीं कर रहा, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। सेकेंड टाइम देखिए 1 यहाँ पे चेंज हुआ, 2 फिर 3 फिर यहाँ से 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका 7। ओके फिर ये सेकेंड रो का हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब थर्ड रो में देखिए, इसमें 1 बार चेंज किया, 2 बार चेंज किया, मैं जहाँ जहाँ चेंज है ना वहीं पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले। एक बार यहाँ पे चेंज कर रहा है 1, एक बार यहाँ पे चेंज किया 2, यहाँ पे चेंज किया 3, तो नेक्स्ट हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट रो में आइए, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा दिया। नेक्स्ट अच्छा ये 3 लिखे थे ना, ओके। अब नेक्स्ट फोर्थ में एक बार यहाँ चेंज किया 1 2 3 और 4, तो नेक्स्ट हो गया 7 3 4। ओके अब इसके बाद वाले में आते हैं, ये देखिए ये सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब इसमें आइए, तो एक बार यहाँ पे चेंज हुआ 1, यहाँ पे चेंज हुआ 2 2 3 4 5 और 6, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका सीक्वेंस का टर्न 6। अब इसमें आइए, इसमें 1 2, ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका, बस आप लोग बिना देखो ऐसे करना हो जाता है कि केयरफुली देखते जाना, बस यहाँ पे देखते जाना, एक बार यहाँ पे हुआ 1, यहाँ पे हुआ 2, यहाँ पे हुआ 3 3 माइनस से प्लस 4 और 4 1, यहाँ पे हुआ 5, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका 5। तो आपका जो करेक्ट सीक्वेंस बना वो क्या बनेगा, वो बनेगा 0 7 3 4 1 6 2 5, ये चीज सबका बना। तो ये था साइन चेंज का, और आई थिंक आज के लिए रहने दिया जाए। देखो आप गलत कर रहे हो तो कैसे चेक करोगे, मैं अभी बता देता हूँ। एज्यूम करो यहाँ पे मेरा कुछ 5 आ जाता, ठीक है, जब मैं सीक्वेंस मिलाता तो मेरा 1 मिसिंग होता और 5 टू टाइम्स होता, तो फिर मेरे को सिर्फ इस दो रो में चेक करना है कि मैंने किस में गलती किया है, क्योंकि बाकी सब डिस्टिंक्ट है तो कोई दिक्कत का प्रॉब्लम नहीं है, और इन दोनों में से कोई एक 1 होगा, क्योंकि सारे क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं।
तो इसको अगर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओगे तो कोई एन क्रॉस एन का सिलेस्टर हडामार्ड मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर इंक्रीजिंग में सजाओ तो 0 1 2 ऐसे से करके एन माइनस वन तक होगा। तो यही मैं उस टाइम रिजल्ट लिखवाया था। ओके, तो यही चीजें आपको सीखना था, तो आज के लिए बस बेसिक ही, इसमें कुछ होमवर्क की बात नहीं है, तो आज होमवर्क तो मैं दे नहीं सकता, ठीक है। तो कल से हम प्रॉपर्टी थोड़ा सा डीप जाएंगे, आज जस्ट रिफ्रेशमेंट था, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन जो 10th 12th टाइप का नॉलेज था और कुछ ग्रेजुएशन लेवल का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन वाला मेथड था। ओके, तो हाँ बोलिए सर, ये जैसे H2 को आप ऐसे 1 1 1 -1 ले रहे हैं, तो सर जरूरी है ऐसा ही लेना, हम कुछ और नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, अगर तुम्हारा मन कर रहा, तुम मन कर रहा तो ए ले लो ना, जैसे 1 -1 1 1 तो फिर ए ले लो। देखो अब तुम जो बोल रहे हो ना, मैट्रिक्स तुम कुछ भी लो प्लस माइनस वन एंट्री के साथ, बट ये ध्यान रखना कि ए चीज इतना बना रहा हो, तो आपके पास ये चैलेंज हो जाता है कि इतना होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर इनमें से जो कंस्ट्रक्शन मेथड आप फॉलो कर रही हो, अगर इनसे बनाओगे तो डेफिनेटली ये चीज होगा। ये बताओ ये 8x8 में अगला एक कैसे चेक करेगा कितना ये चीज ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मुश्किल है ना करना। ओके, तो इसीलिए है कि एक कुछ मेथड बनाए गए हैं कि अगर आप इन मेथड को फॉलो करते हो तो ये सब चेक करने का लफड़ा नहीं है, ये होगा ही होगा। अभी बेचारे जो रिसर्च करके इतना बड़ा कंक्लूजन निकाले, इसके बाद भी आपको मेहनत ही करना पड़े, उनका रिसर्च तो बेकार हो गया ना फिर, इसीलिए आपको उन मेथड्स को यूज करना है। तो आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे कि अगर कोई हडामार्ड मैट्रिक्स एच है, अगर कोई एच मैट्रिक्स हडामार्ड है, तो इसके करस्पोंडिंग अगर माइनस एच आप बना रहे हो तो ए भी हडामार्ड ही होगा। अगर इसके रो या कॉलम को परम्यूट कर दे रहे हो, परम्यूट करना मतलब मान लो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को आपने यहाँ पे भेज दिया और इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है, या फर्स्ट को यहाँ पे भेज दिया, इसको यहाँ पे भेज दिया, इसको यहाँ पे भेज दिया, तो वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो अगेन आपका एक हडामार्ड मैट्रिक्स होगा। तो धीरे धीरे देखेंगे, अभी तो बस सिंपल मैं सोचा कि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट टाइप हो जाए, आपको लगे नहीं कि टफ है, और आई थिंक टफ तो नहीं लगा होगा। यस सर। ओके, तो आज के लिए सेशन यहीं पेंट करते हैं।